गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर एक्सेल से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड की जाती हैं। उसी क्रम में एक वीडियो और अपलोड की जा रही है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। तो थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है, रैंक। यानी कि हमें कुछ स्टूडेंट की लिस्ट दी गई है, उन्होंने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 100 में से। तो ये लिस्ट के हिसाब से जो है, अजय ने 89 मार्क्स लिए, विजय ने 94, राम ने 59, रोहित ने 65, रमेश ने 87, इसी प्रकार ब्रिजेश ने 93 और विकास ने 70। तो ये जो है आउट ऑफ 100 मार्क्स इन्होंने लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है तो हमारी क्लास का टॉपर बच्चा कौन है। यदि हम मैनुअल ढूंढने लगे इसमें, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, इसमें दिख रहा है विजय के। फिर दूसरे नंबर पर फिर हम ढूंढेंगे कौन सी रेंज है, 93 ब्रिजेश के। और इसी प्रकार हम ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाएगा और हमारा रिजल्ट टाइम पर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो है एक छोटा सा फंक्शन है जो आपके काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो क्या है फंक्शन, इज इक्वल टू रैंक। तो रैंक फंक्शन होता है, रैंक फंक्शन को क्या करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। तो हम क्या करें, किसका ढूंढना है हमें, नंबर कौन सा है इसका, यानी कि फर्स्ट कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, रेंज देखनी है कहाँ से हमें उठाना है, कॉमा, रेफरेंस नंबर कहाँ से उठाने हैं हमें, रेफरेंस हमें उठाने हैं इस सीट को, जो क्या करेंगे हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे और इसको क्या करेंगे, F4 से हम जो है इसको लॉक कर देंगे और ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे पास रैंक निकल के आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है पूरा ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करते ही जो है हमारी सारे सेलों में डेटा फिल हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा नंबर एक पे कौन रहा, विजय रहा। नंबर टू पे हमारा ब्रिजेश, और नंबर टू पे जो सेम रेंज थी विनोद की रही। तो यानी कि रैंक के हिसाब से दूसरा रैंक रहा, और उसके बाद हमारा ये थर्ड रैंक का था, लेकिन सेम रेंज के कारण इनकी रैंक जो रही सेकंड रही। आसान तरीके से मिनटों का काम जो है सेकंडों में पूरा किया और हमने पूरी क्लास की जो है रैंक निकाल दी, कौन सा बच्चा किस नंबर पर आया। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।